हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग मूवी रिव्यूज ब्लॉग। सो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं भेड़िया का। ये वरुण धवन और कृति सैनन की लेटेस्ट फिल्म है जिसे अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है, जो पहली दो फिल्म्स आई थी स्त्री एंड रूही। स्त्री के बारे में बात करें, एक लो बजट फिल्म सरप्राइजिंगली केम आउट ऑफ नोवेयर। लोगों ने इतना अंदाजा लगाया नहीं था कि एक इतनी अच्छी फिल्म उस वक्त पे आ सकती है। उसके चलते ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी हुई थी एंड फिल्म की काफी तारीफ भी हुई थी। लॉन्ग रन में काफी जबरदस्त चली थी ये फिल्म। उसके बाद आई थी रूही। रूही में ना कॉमेडी अच्छी थी ना हॉरर अच्छा था। उसमें बस परफॉर्मेंसेस सही थी, लेकिन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप किसी फिल्म को जबरदस्त नहीं कह सकते। और ऊपर से जब आपके पास एक बेंचमार्क बन जाता है स्त्री टाइप का, कि आपके हॉरर यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई है स्त्री से, तो उसके आगे तो वो फिल्म कुछ भी नहीं थी बिल्कुल। और अब आते हैं अपनी थर्ड फिल्म की तरफ, भेड़िया, जो कि एक क्रिएचर कॉमेडी फिल्म है। इससे पहले कोई इस जोनरा में फिल्म बनी नहीं है, इससे पहले कुछ इस टाइप का यहाँ पे बनाया नहीं गया है। तो क्या ये वर्क करती है, क्या ये नए बेंचमार्क सेट करेगी और ये यूनिवर्स को कैसे शेप अप करती है? माई फर्स्ट थॉट्स आफ्टर वॉचिंग भेड़िया वॉज दैट द फिल्म डिजर्व बेटर ह्यूमर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द सेटअप ऑफ द फिल्म इज वेरी गुड एंड द हॉरर एलिमेंट्स मेक आउट फॉर अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। भास्कर प्लेड बाय वरुण धवन, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे अरुणाचल प्रदेश में जाके अपनी कंस्ट्रक्शन की एक डील फाइनलाइज करनी है। तो एक रात उसे वहाँ पे भेड़िया काट लेता है एंड उसके आगे उसके साथ स्ट्रेंज थिंग्स होने लगती हैं एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट मेक्स आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म। अगर हम बात करें स्त्री के बारे में, तो स्त्री में कहीं ना कहीं कॉमेडिक टोन्स थी। यहाँ पे जो इस फिल्म की टोन है वो कहीं ना कहीं सीरियस है और इसका एक मेन रीजन है जो फिल्म में ह्यूमर है वो इतना वर्क नहीं करता है। कुछ जगह पे वर्क करता है लेकिन इट्स अ हिट एंड अ मिस। स्त्री के राइटर थे राजन डीके, तो उस फिल्म की कॉमेडी तो जबरदस्त होनी थी, लेकिन इस फिल्म के राइटर और कोई है तो यहाँ पे वो कमी जरूर खली है। अगर इस फिल्म की कॉमेडी का लेवल थोड़ा बेटर होता तो मे बी ये जो फिल्म है वो स्त्री के लेवल तक जा सकती थी मेरे ओपिनियन में। अब ह्यूमर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस चीज को कॉम्पनसेट करते हैं फिल्म के हॉरर एलिमेंट्स। जिस तरीके से फिल्म का सेटअप किया गया है, जो एनवायरमेंट है फिल्म का, डेफिनेटली आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। लिटरली कुछ शॉट्स ऐसे थे फिल्म में जो गूज बम्स दे गए। ऐसा शॉट आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगा जहाँ पे भेड़िया एकदम से हाउल करता है। टोटली गूज बम्स थे उस सीन पे। सेकेंड हाफ में एक सीन है नेचर से रिलेटेड एंड जब आप उस सीन को देखोगे तो आपको पता लगेगा इतना ब्यूटीफुल सीन है वो। फिल्म में काफी अच्छा मैसेज भी दिया गया है और फिल्म की एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी, जो मैसेज है फिल्म का उसको आपके ऊपर थोपा नहीं गया, जो फिल्म की अपनी रूट्स थी हॉरर प्लस कॉमेडी। फिल्म ने उन चीज पे ध्यान दिया एंड उसके साथ ही साथ आपके लिए एक मैसेज भी रखा है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पे 1 से 1.5 साल लगाया गया है। फिल्म का एग्जैक्ट बजट तो नहीं पता, लेकिन 5,500 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई है एंड 5,500 करोड़ के हिसाब से दी VFX इज टू गुड मैन। मतलब क्या डिटेलिंग दी गई है विजुअल इफेक्ट्स में। आप उन ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन्स को देखना, इतनी अटेंशन टू डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आपको पैशन देखने को मिलता है वो फिल्म मेकिंग का। यू नहीं कि आपकी फिल्म बना दी हॉरर कॉमेडी है तो इन चीजों पे इतना फोकस नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने पूरा एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दिया है जो कि टेक्निकली बिल्कुल साउंड है। और दूसरी तरफ देखो आदिपुरुष, कहाँ 500 करोड़ का आपको कार्टून दिखा रहे हैं। अमर कौशिक ने बनाई है स्त्री एंड बाला एंड कहीं ना कहीं अगर आपने उन दोनों फिल्म्स को देखा है तो आपको भी पता होंगी वो अच्छी फिल्म्स हैं। एंड बात करें भेड़िया के बारे में तो उनके लिए तो ये हैट्रिक हो गई अमेजिंग फिल्म्स की। मतलब ऐसे हो रहा कि जोक लैंड नहीं कर रहा, पंचलाइन लैंड नहीं कर रही है, तो भी वो अपने डायरेक्शन से नैरेटिव पे एक होल्ड बना के रखते हैं जो आपको बोर नहीं होने देती। जो फिल्म का बेसिक प्रेमिस है वो फोकलोर से इंस्पायर्ड है एंड रिसेंटली हमने कांतारा देखी थी जो कि फोकलोर से इंस्पायर्ड थी। सो इट्स रियली अमेजिंग कि जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो हमारे इंडियन स्टोरीज को सर्च कर रहे हैं एंड उन पे वर्क कर रहे हैं। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो हमें रीमेक्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्टोरीज जो है इतनी ज्यादा डाइवर्स है, इतनी ज्यादा अच्छी स्टोरीज है, उन पे वर्क किया जा सकता है बिल्कुल। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें, जितना भी प्रैक्टिकल लोकेशन का शूट किया गया है दैट इज सिंपली ब्यूटीफुल। बात करें फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो इट हैज अ फाइन साउंडट्रैक, अपना बना ले काफी प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। फिल्म का जो थीम सॉन्ग है एक इंटेंस सॉन्ग है एंड उसको एज अ बैकग्राउंड स्कोर जब भी यूज किया गया है इट वर्क्स वेल विद द डायनामिक्स ऑफ द फिल्म। फिल्म के एंड में ठुमकेश्वरी सॉन्ग आता है जो कि एक अच्छा सॉन्ग है एंड उसमें जो डांस है मेनली वो मुझे डांस के लिए ज्यादा पसंद आया वो सॉन्ग। उसमें श्रद्धा का कैमियो है जो कि 4 चांद लगा देता है बिल्कुल। फिल्म खत्म होती है एकदम मत उठना, जैसे ही आपके आगे आता है डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, उसके बाद भी फिल्म बची हुई है, वहाँ पे एक मिड क्रेडिट सीन आता है जो कि इसको जोड़ती है स्त्री के साथ। सो उस चीज के लिए आपको वहाँ पे रुकना चाहिए। परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते हैं, वरुण धवन की परफॉर्मेंस देख के मजा सा आ गया।
मतलब इतना टैलेंटेड एक्टर है, कुली नंबर वन जैसी फिल्में तो करनी नहीं चाहिए, ये है उनका असली पोटेंशियल। बदलापुर हो गई, अक्टूबर हो गई, भेड़िया हो गई, इस टाइप की फिल्म उन्हें करनी चाहिए। और ये जो भेड़िया में रोल है, इनका काफी चैलेंजिंग रोल है, उनके करियर का मोस्ट चैलेंजिंग रोल है ये। उनकी एक्टिंग एक्सप्रेशंस तो अच्छे है ही यहाँ पे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज की सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए। उनको आप ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स में देखते हो, मतलब क्या गजब काम किया उन्होंने वहां पे। रीति सैनन का जितना स्क्रीन टाइम है उसमें वो इम्प्रेसिव है। अभिषेक बनर्जी ने काफी अच्छा काम किया फिल्म में, उनको पंचेस थोड़े और अच्छे मिलते तो मजा आ जाता। दीपक डोबरियाल हैज प्लेड हिज पार्ट वेल, एंड उनके अलावा जितने भी अदर एक्टर्स हैं स्टार कास्ट में, दे आर आल्सो फाइन इन देयर रोल्स। ओवरऑल टू सम अप माय रिव्यू, भेड़िया इज अ फिल्म दैट डिजर्व्स योर अटेंशन फॉर इट्स नोवल कंसेप्ट, मैसेज एंड टेक्निकल एक्सीलेंस। माय रेटिंग फॉर फिल्म इज 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने फिल्म को देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको फिल्म कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल।